हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका न्यूज़ रिपोर्टर, मैं लाया हूं आपके लिए मोटो ब्लॉगर यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग से अपडेट। अगर आप भी कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे आलियान ब्लॉग्स की। रिसेंट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था आलियान अपने दोस्तों के साथ लद्दाख राइड पर गए हुए हैं, जहां पर उनकी बाइक का क्रश हो जाता है। उनके साथ जो उनके दोस्त राइडर होते हैं उनकी बाइक का क्रश हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक का अच्छा खासा नुकसान होता है। इसी से रिलेटेड आलियान ने अपने वीडियो में अपडेट दिया कि उनको लद्दाख वाली जो राइड थी कैंसिल करनी पड़ गई, क्योंकि उनकी बाइक का नुकसान होने की वजह से उनकी राइड उनका जो मैकेनिक है नियर बाय नहीं मिल रहा, और उनकी बाइक जो थी अच्छे से नहीं ठीक होने की वजह से उनको जो लद्दाख वाली राइड थी कैंसिल करनी पड़ जाएगी। इसी से रिलेटेड आलियान अपने वीडियो में पूरी जानकारी देते हुए लद्दाख वाली राइड को उन्होंने क्यों कैंसिल किया इसी के बारे में बताते हुए क्या कहा, आइए जान लेते हैं। तो आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज है यार, हमें अपनी राइड कैंसिल करनी पड़ेगी। रीजन बहुत सारे, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने कल का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता होगा येलो वाली KTM 390 का क्रैश हो गया था। तो गाइस, उस बाइक में बहुत ज्यादा इशू हो गया हुआ है, हमें उसका पूरा इंजन ऑयल ड्रेन करवाना पड़ेगा, मतलब इंजन ऑयल भी चेंज करवाना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही है यार, अभी मुझे ये नहीं समझ आ रही है उसको वहां तक कैसे लेना है। यहाँ पे एक लोकल मैकेनिक ही था, हमने उसको दिखाया, उसके पास थोड़ा बहुत उसका काम करवाया, अब थोड़ी सी ठीक हुई है। पर गाइस, इस हालत में हम उस बाइक को लद्दाख नहीं ले पाएंगे यार, ये इशू है। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए, तो अभी हमें बाइक को श्रीनगर में दिखाना पड़ेगा। तो यार मतलब उसको जम्मू भी पहुंचाना ना, तो उसको कुछ करके ठीक करवाना पड़ेगा, उसका पूरा इंजन ऑयल ड्रेन कराना पड़ेगा। तो गाइस, एक रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि अपनी येलो वाली KTM 390 में दिक्कत हो गई है, तो इस हालत में तो भाई नहीं ले जा सकते ना उसको लद्दाख। अब मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा ना यार, मतलब जो लोग साथ आए उनको छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो गाइस, ऐसा कुछ सीन है, तो चलो यार अभी निकलते हैं। पैकिंग वगैरह डन हो चुकी है, लगेज को हम बांधते हैं बाइक पे, तो निकलते हैं यहाँ से। सो जैसे कि आप लोगों ने सुनी लिया होगा, आलिया ने बताया कि उनके साथ जो येलो वाली KTM थी उनके बाइक का क्रश होने की वजह से उनके इंजन में काफी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम हो गई हैं, जिसकी वजह से वो लद्दाख राइड पॉसिबल नहीं हो पाएगा करना, और आलियान अपने दोस्तों को छोड़कर राइड करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो राइड को कैंसिल कर रहे हैं। तो लद्दाख वाली राइड की जो सीरीज थी आप लोगों ने कितना एंजॉय किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वाला वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ चलते अपने अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे यूके राइडर 07 की। रिसेंटली उन्होंने अपने वीडियो में अपडेट दिया कि उनकी बाइक की जो कलेक्शन थी उसमें एक और बाइक ऐड हो चुकी है। उन्होंने आज G900 की डिलीवरी ले ली है, लेकिन डिलीवरी लेने के टाइम पर वो अपने घर को अकेला छोड़कर आए थे, जिसकी वजह से उनके घर पर एक बहुत ही खतरनाक वाला इंसिडेंट हुआ। इसी के बारे में बताते हुए यूके राइडर 07 अपने वीडियो में क्या कुछ अपडेट दिया और उनके घर पर क्या इंसिडेंट हुआ, आइए जान लेते हैं। हमारी नई एको, ये चेक, ये हटाने में इतना मजा आता है ना गाइस, नई बाइक से। बट चेक दिस आउट यार, ये इतनी सुंदर है ना गाइस, दिस वेरिएंट इज सुपर सेक्सी। ओ भाई, कोल्ड स्टार्ट गाइस हम लोगों ने कर दी थी, पीडीआई बाइक की कंप्लीट हो चुकी है। ओके बॉय, तो गाइस रात के बजे 12 एंड हम लोग पहुंचे घर, और घर की हालत देखो, ये चेक करो गाइस क्या हो रखा है घर में। वहां पर हम लोगों ने ना ये शील्ड लगा रखी थी, वहां से बंदर घुसे अंदर, ये डस्टबिन खोला, ये तो मैंने भी उठा दिया गाइस आधा। उसके बाद ये चेक करो, चावल चूवल भाई इस फ्लैट पे ना गाइस बंदर बहुत सारे हो गए। और ये सब चीजें ना गाइस एक इंसान के कारण भी है, हर्ष के कारण। क्यों भाई, तू ही उस दिन वो खिला रहा था उसका, तूने डाल जैसे, हाँ आ जाओ ले गाइस, ये चेक करो क्या हालत हो रखी है भाई। हमें ना गाइस सारे बर्तन धोने होंगे, सब कुछ साफ करना पड़ेगा, चावल चूवल सब कुछ खा के चले गए भाई। वो तो शुक्र है हमने लीची लूची अंदर रखी हुई थी, कुछ गायब नहीं हुआ, फ्रिज के अंदर सामान था। झाड़ू से मत कर। सो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, यूके राइडर 07 ने अपने वीडियो में अपडेट दिया कि कैसे उनके गैर मौजूदगी में बंदर उनके घर पर घुसते हैं, उनके किचन का सामान वगैरह, उनके चावल वगैरह, रोटी वगैरह खाकर चले जाते हैं। तो बाबू भैया को पूरी सफाई वगैरह करनी पड़ी, बर्तन वगैरह वॉश करने पड़े। तो वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे जेएस फिल्म्स की। जेएस फिल्म्स नोएडा में अपने दोस्तों के साथ राइड के लिए तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो पीछे से अचानक से पुलिस की वैनिटी आती है, जिसको देखकर काफी सारे मोटो ब्लॉगर जो होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस वाले काफी गुस्सा काफी नाराज हो जाते हैं। इसके वजह से पुलिस वाले जेएस फिल्म्स को उल्टा सीधा बोल देते हैं, सुना देते हैं। इसी के बारे में उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई जेएस फिल्म्स और पुलिस वालों के बीच में, इसी को वीडियो में बताते हुए जेएस फिल्म्स ने क्या अपडेट दिया, आइए जान लेते हैं। हम नहीं भाग रहे, हम तो खड़े। गेम ओवर। बताइए आप यहाँ पे खड़े हुए, पहले हमेशा दूसरे की जगह पे खड़े हुए स्टैंड करें और देखें क्या चीज है। आप मेरे स्टैंड पे खड़े हुई है, आप और यहाँ आकर के देखिए कि अगर आपको ये लोग खड़े दिखाई देंगे, आप रोड पे वहाँ जा रहे हैं, आपका क्या इमेजिन होगा। बिल्कुल सर, बट वो ना बाइकर इकट्ठे हो रहे हैं, एक्चुअली वो हमारी बाइक देखने के लिए आया, छोटी बाइक थी, सब भाग गए। इसके बाद भागने पे क्या चीज होगी,
गलत होगा वो, जो भी है वो गलत होगा। तो इंडिविजुअल आप निकल रहे हैं, आप जाइए अपने रूट पे जहाँ भी जा रहे हैं, जिस चीज से क्या महसूस होता है आप बताएं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। हम लोग आ रहे हैं तो आप भाग रहे हैं इससे, बिल्कुल कोई ना कोई मिसकॉल गलत थी लोगों की। मेरे हिसाब से सर 10-12 थी, इनके पास फोन में वीडियो होगा, 10-12 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतने नहीं थे, 60-65 लोग कहाँ थे। अलग है वो सर, सबका क्या होता है संडे का, सबका अलग अलग सीन होता ना। संडे को यार ये वो रेसिंग ही थोड़ी है। नहीं नहीं रेसिंग नहीं है, रेसिंग नहीं है। हम तो सरदार जी होके हेलमेट पहन के प्रमोट भी करते हैं कि हेलमेट पहनना है। मतलब सीन क्या हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, आपने देखा होगा इससे पहले वाले शॉट में, उधर से कॉप्स आए, सब निकल के भागे। हम रुके हुए थे भाई, जेन्युइनली रुके हुए थे। हमने कहा चलो ठीक है, बात बात करेंगे, समझेंगे। तो वो ये बोल रहे हैं आपने भीड़ लगा रखी है। हमने कहा यार हमारे साथ के बंदे नहीं है, हमारे साथ वाले तो हम ही चार है, सीधी बात है। और एक बंदा अब सीधा हमारा वहाँ पहुँचेगा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा, जेल्स फिल्म्स ने पुलिस के साथ कन्वर्सेशन करके सारी बातों को क्लियर किया कि वो हमारे साथ नहीं थे और उनका ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस वालों को देखकर कभी भी किसी मोटो ब्लॉगर को भागना नहीं चाहिए, जो भी है सामने बैठकर बात करनी चाहिए, जो भी अगर प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना चाहिए। सो आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है, जेल्स फिल्म्स ने जो कहा सही कहा या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे G900 की। रिसेंटली जब अपने दोस्तों के साथ वो राइड पर निकले होते हैं तो बीच में वो देखते हैं कि एक सड़क हादसा हुआ होता है, रोड रेज हुआ होता है, इसी के बारे में अपडेट देते हुए आखिरकार सड़क पे क्या अच्छा हुआ अपडेट देते हुए G900 अपने वीडियो में क्या अपडेट दिया, आइए जान लेते हैं। तुमको मोबाइल से ही मारा है तुमके? अरे वो पीएल था फुल, उधर से दाना पानी से देखा ना मैंने, वो दू बघितलं आम्ही काय कुठून का कसा येतात तुम्ही, तुम्ही साईडला हवा। अरे मेरे पास है सब रिकॉर्डिंग है, मैं काय इकडे झूठ बोलूंगा? अरे तुम्ही साईडला हवा ना, तुम्हाला काय आहे? लेकिन जब वो मार रहा था तब आपको बोलना चाहिए क्यों मार रहा है, वो भी गरीब है ना, वो का अमीर आदमी है। अरे मार रहा था तब बोलना चाहिए ना, वो मारा लेकिन अरे ठीक है इसको मारते। अरे तो माने ना, मार रहा है ना, मारा ना दारू पी के चला रहे क्या झूठ बोल रहे यार, तुम आप पीछे बैठ जाओ। सो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, एपे वाले ने रिक्शे वाले को शायद से मारा है, जिसकी वजह से पब्लिक जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसको बाहर उससे माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन जो एपे वाला होता है माफी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो इसी से रिलेटेड कोई और इंसिडेंट अगर आता है मेरे पास तो मेरी वीडियो में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। फिलहाल के लिए सो इतना ही। सो वीडियो अगर आपको पूरा देखना है G900 का, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हो। सो फिलहाल आज की स्टोरी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए मोटो ब्लॉगर नए यूट्यूबर्स के अपडेट के साथ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके से वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।